गुजरात के साबरकांठा में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद से सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रशासन हिंसा में शामिल आरोपियों के मकान और दुकानों को जमींदोज करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार को ही हिम्मतनगर इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को नोटिस थमाए गए। इसके बाद आज सुबह प्रशासन की टीमें बुलडोजर लेकर पहुंची, तो इससे पहले ही लोगों ने खुद ही अपने अपने अवैध कब्जे हटाने शुरू कर दिए। बता दें कि 10 अप्रैल को साबरकांठा में विश्व हिंदू परिषद VHP की ओर से निकाली जा रही रामनवमी रैली पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया था। वहीं हिम्मतनगर के छापरिया इलाके में रामनवमी की यात्रा निकाल रही थी, इसी दौरान पथराव की वारदात को अंजाम दिया गया। यह बवाल बढ़ गया और आगजनी की घटना हो गई। इस मामले की जानकारी के बाद पुलिस पहुंची और स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों समेत कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित करने की कोशिश करने में जुटी हुई है। इसे पूरे घटनाक्रम में SP समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।